तो भाई थोड़ा आगे चल के आओगे तो आपको एक ये वाला होटल दिखेगा, पैलेस डी माहे, और ये सबसे महंगा होटल है यहाँ का, पुडुचेरी का। बोलते हैं कि आपको अगर सी व्यू चाहिए तो भाई प्रोमिनेंट में आके ही रुको, ऐसा अगर व्यू चाहिए। घर जो भी बने हुए हैं सब के सब येलो कलर में पेंटेड हैं, वो सभी फ्रेंच के बनाए हुए हैं। अंदर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना कि आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब एक बार तो ज़रूर विज़िट करना बनता है। अंदर बहुत सारी चोला डायनेस्टी की चीज़ें पड़ी हुई है, फ्रेंच वाले लोग जो यूज़ करते थे चीज़ें वो पड़ी हुई है। भाई इतना प्यारा मंदिर मैंने ना आज तक नहीं देखा यार, इतना खूबसूरत मंदिर है। आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे गणेश जी की बहुत सारी कार्विंग्स करी हुई है, बहुत सारी। हाय गाइस, तो स्वागत है आज आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। कल मैं तिरुपति में था और आज मैं पौंडीचेरी आ चुका हूँ। गाइस आपको पता है कि मैं कल रात को वहाँ से निकला था, मैंने पहले ट्रेन करी, मुझे वहाँ से चेन्नई आना पड़ा और चेन्नई से दूसरी वापस ट्रेन करके मैं 12-1 बजे तक कल यहाँ पर पहुँचा था पौंडीचेरी में। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया पर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कल मैं आके खुद सो गया था। कल मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज 2 दिन से मैं तिरुपति में था और वहाँ पर मुझे दर्शन करने को नहीं मिले, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं जगा रहा था तो नींद भाई बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने कल सोचा कि यहाँ पे आके आराम किया जाए। खैर आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि पौंडीचेरी चीप में कैसे घूम सकते हैं, और सबसे पहले मैं अपना रूम का टूर भी दे देता हूँ जहाँ पर मैं हूँ, और ये भी बताता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे चीपली यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं हूँ अतिथि होटल करके, जो कि पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पौंडीचेरी आना कैसे है। भाई पौंडीचेरी के सबसे पास अगर आप एयरपोर्ट चाहें तो आप चेन्नई आ सकते हैं, चेन्नई से 3 घंटे की ट्रेन लेके या बस लेके आप डायरेक्टली पौंडीचेरी आ सकते हो। सेकेंड तरीका यह है कि डायरेक्ट पौंडीचेरी की ट्रेन कर लो, भाई न्यू दिल्ली से तो डायरेक्ट पौंडीचेरी की ट्रेन चलती है, और अगर दिल्ली का कोई बंदा है तो आप अगर दिल्ली के आसपास हैं तो डायरेक्टली आप पौंडीचेरी आ सकते हो। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो बहुत जगहों से नहीं भी है ट्रेन से, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर चेन्नई जो स्टेशन है चेन्नई बहुत पास है यहाँ से, तो आप चेन्नई आ सकते हो, चेन्नई से डायरेक्टली पौंडीचेरी आ सकते हो। थर्ड वे है बस, बस की कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट पौंडीचेरी तक मिल जाएगी, बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से नहीं भी मिलेगी तो आपको वाया वाया करके आना पड़ेगा, वाया चेन्नई या वाया आसपास का, अगर आप कहीं भी है इसके आसपास इलाके में तो आप वहाँ के थ्रू आ सकते हैं कोई बड़े स्टेशन के थ्रू। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पौंडीचेरी में एक एयरपोर्ट भी है, डायरेक्टली वहाँ पे भी आ सकते हो, पर वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है बहुत कम है बिकॉज बहुत कम फ्लाइट्स ऑपरेट होती है पौंडीचेरी के लिए। न्यू दिल्ली और हैदराबाद से तो थी, बाकी उसके अलावा बहुत सारी स्टेट से होगी भी मोस्ट प्रोबेबली या नहीं भी होगी, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, और शायद अभी लास्ट 3 महीनों में ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए गए थे ड्यू टू सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इन लोगों का, मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर 2023 से वापस इन्होंने ऑपरेशंस को रिज्यूम किया था, मंडे था शायद या 1 तारीख को किया था या 2 तारीख को, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ऑन मंडे जो भी था वो डेट आप देख लेना, तब से रिज्यूम कर दिया गया है और तब से आपको फिर से फ्लाइट मिलने लग गई है। न्यू दिल्ली और हैदराबाद मुझे मालूम है, उसके अलावा मुझे कोई मालूम नहीं है। फिलहाल मैं अतिथि निवास में हूँ जो कि 2 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, और भाई यहाँ पर ओला और उबर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं तो भाई पैदल ही चल के आ गया था और मेरे पास कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं था। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मोड ऑफ कन्वेंस के लिए आप डायरेक्टली जब रेलवे स्टेशन पे उतरोगे वहां से डायरेक्टली एक 2-व्हीलर ले लेना यार, बिकॉज और 2-व्हीलर में ध्यान रखना कि बार्गेन करना है बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। एक दिन का यहाँ पर चार्ज 350 से 400 के बीच है, उससे ज़्यादा मत देना, बार्गेन करना, अगर वो बंदा नहीं दे तो दूसरी शॉप पर जाके बात करना। 700-800 रुपये मुझे कोट किया था पर मैंने नहीं ली, मैंने कल ली ही नहीं, आज मैं प्रोबेबली अभी बाहर जाके ट्राई करूंगा और आपको भी दिखाता हूँ कि कहाँ से लेना है। मैं थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के आगे आ गया बिकॉज वहाँ पर जो टूरिज्म है टूरिस्ट की वजह से वो कितना भी कोट कर देते हैं, पर बीच में आपको बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो आपको वो चीज़ अवेलेबल कर देंगे सस्ते में, बिकॉज यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो यार इजीली, वहाँ पे एक दो बंदा आपके मुंह पे आके खड़ा हो जाएगा और फिर आपको डायरेक्टली वो चेप देगा कि यार लेना है, तो आप भी घाई घाई में ले लोगे कि ठीक है मैंने ले लिया बिकॉज मुझे होटल जाना है और मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, तो आप 700 रुपये पे कर दोगे, पर 350 से 400 रुपीज़ रेट है, तो इस बात का ध्यान रखना। और एक सबसे इजी वे है कि आपको, आप जब यहाँ पर आओगे ना तो आपको 2-व्हीलर से आप पूरा पौंडीचेरी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको कोई भी टूर बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ जाना है वो तो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा ही, मैं साथ में आपके मिलके ही एक्सप्लोर करूँगा पूरा पौंडीचेरी, पर फिलहाल अभी मैं अपना रूम का टूर दे देता हूँ।
होटल अतिथि निवास नहीं, निवास नहीं है, होटल अतिथि है और 4 स्टार कैटेगरी का होटल है, थोड़ा सा पुराना है और मुझे भाई ये पड़ा था 10,000 रुपये 3 दिन के लिए। मैंने अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए लिया है इसको। मेरी कोई इच्छा नहीं थी हॉस्टल्स और जो यहाँ पर गेस्ट हाउस है उसमें रुकने की। अगर आप रुकना चाहो तो बहुत सस्ते में आपको गेस्ट हाउस हॉस्टल सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ महंगे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह। बट मेरे को यहीं रुकना था और इसके अलावा यहाँ पर इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, तो 10,000 रुपये मुझे सही लगा। ऑन एन एवरेज 3,300 रुपये पर नाइट पड़ा इंक्लूडिंग GST टैक्सेस। एंड साथ में आपके अगर आप चाहो तो एक बंदा और रुक सकता है, पर मैं तो सोलो ट्रैवल करता हूँ आपको मालूम है, तो 2 बंदे अगर फैमिली के हिसाब से आ रहे हैं और शायद एक छोटा बच्चा अगर जो चाइल्ड है 5 या 8 साल के नीचे का, 8 या 5 साल के करीब, तो आप उसको भी ला सकते हो। तो 3 लोग ऑन एन एवरेज यहाँ पर रुक सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, और उसके अलावा उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अब मैं यहाँ से कर्टन्स हैं यहाँ पर भाई बैठने का जगह है और यहीं पे आप अपना आयन भी कर सकते हो। शायद बटन बंद नहीं किया मैंने, कर दिया मैंने, आज अपने कपड़े आयन किए थे इसलिए। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना कंप्यूटर वर्क भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो भाई सिटी व्यू है और सामने मैक्स है, और ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है ना ये वाला, इस रास्ते से आप सीधे जाओगे ना तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है 2 किलोमीटर की दूरी पर, और जो बस स्टैंड है वो भी पास में ही है। ठीक ठाक व्यू है और बड़ा सा होटल है, मैं बाहर से चल के आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके अलावा यहाँ पर सोफ़ा है भाई, ज़्यादा कोई बाहर यहाँ से कोई व्यू नहीं है, यहाँ पर सोफ़ा है। उसके अलावा यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी जगह है भाई, और TV। उसके अलावा यहाँ पर कोई मिनी बार नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करना, ये हूँ मैं। और यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ दे रखा है इन लोगों ने, एक छोटा सा क्लोज़ेट है, सब कुछ हैंगर वैंगर प्रोवाइडेड है। उसके अलावा ये वाला जो है ये बाथरूम है और सही साट है, एकदम क्लीन और अच्छा। तो अगर आप रुकना चाहो तो भाई फैमिली के साथ आके आप इसको बुक कर सकते हो, रुक सकते हो, और मे बी चार्जेस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएं, पर एज ऑफ नाउ मुझे तो 3,300 में ही पड़ा। उसके अलावा इनका जो मेन्यू है उसको आप स्कैन करके आप सकते हो जो भी आपको मंगवाना है भाई। थोड़ा सा आप चाहो तो बाहर जाके ही खाओ यार, बिकॉज यहाँ पे पूरा फ्रेंच कल्चर है जो कि मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। पौंडीचेरी को करीब करीब 300-400 साल तक रूल किया गया था, मुझे एग्जैक्ट पीरियड मालूम नहीं है, बाय दी फ्रेंच पीपल, और यहाँ पर पूरा फ्रेंच कल्चर है अगर आपको नहीं मालूम है तो। खाना भी यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कैफ़ेज़ में फ्रेंच टाइप का मिलता है, तो उसको जाके ट्राई करना भाई। और मैं अभी आपको चल के सारे कैफ़ेज़ दिखाता हूँ। उसके अलावा जिस बीच पे मैं एक्चुअली रात को घूमने गया था वो बीच भी यहाँ पर पास में है, प्रोमिनेंट बीच, जो कि यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और भाई पैदल ही जा सकते हो आप, और बहुत अच्छी जगह, बहुत बहुत साफ़ और सुथरी वो स्ट्रीट है, और वहाँ पर अंदर व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है, आपको पैदल ही घूमना है, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको व्हीकल्स कोई परेशान करेंगे नहीं। आसपास वहाँ पे 2-3 होटल्स और हैं जो कि थोड़े से लग्जरी हैं और वो डायरेक्टली सी व्यू के साथ मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अगर आपको वहाँ भी रुकना है, आपको थोड़ा ओवर बजट जाना है, अच्छे से रुकना है, मज़े लेने हैं भाई पौंडीचेरी के, तो आप वहाँ भी जाके रुक सकते हो, पर मुझे फ़िलहाल ये कन्वीनियंट लगा। इसके अलावा आसपास यहाँ पर और भी होटल्स हैं, बहुत सारे स्टेज हैं, बहुत ईजीली आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर बार्गेन ज़रूर करना। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर की तरफ, स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, इस होटल का जिम दिखाता हूँ, उसके बाद बाहर चलते हैं, अपनी 2-व्हीलर हायर करते हैं और घूमते हैं पौंडीचेरी। तो भाई स्विमिंग पूल में तो काफ़ी लोग नहा रहे थे, तो मैंने सोचा अभी फिल्म नहीं करता हूँ, बाद में बताऊँगा आपको। और अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो कैसा दिखता है। ये रहा होटल अतिथि, पूरा तो नहीं आएगा इसमें, थोड़ा और बाहर से दिखाता हूँ। और यहाँ से हम डायरेक्ट पैदल जाएंगे बाहर की तरफ। और यहाँ से सीधे जाके मैं अभी लेफ्ट लूँगा, ये रहा होटल, और लेफ्ट लूँगा यहाँ से सीधे जाके, तो आपको वहाँ पे दिखेगा बहुत सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे आपको यहाँ पर स्कूटी रेंट करने के लिए। तो सबसे पहले अभी स्कूटी रेंट करूँगा यार, उसके बाद हम चलते हैं बीचेस घूमने और बाकी की जगहें घूमने। इसके सामने एक और होटल है, शेनेगा करके लिखा हुआ है, पिंक कलर का होटल, ये भी अच्छा खासा महंगा ही होगा यार, ये भी आप ले सकते हो।
नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छा खासा बड़ा ही दिख रहा है। शैनेगा होटल। तो भाई जो मैं रोड बोल रहा था उसी रोड पे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये वाला मंदिर दिखेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारी कार्विंग्स करी हुई है। और तेलुगु में कुछ तो लिखा हुआ है, सॉरी तमिल में, वो तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है, पर बहुत बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो आप। इसको मैं बाद में विज़िट करूँगा और सबसे पहले अभी स्कूटी लेनी है, और वैसे भी बंद है अभी, टाइमिंग्स लिखे हुए हैं बाहर पर वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ बिकॉज क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। खैर चलते हैं आगे। तो भाई ये वाली वेस्पा ले ली मैंने, क्योंकि वेस्पा पड़ी मुझे 450 रुपीज़ की पड़ी, और 500 रुपीज़ उन्होंने मुझे कोट किया था, और उसके अलावा जो नॉर्मल एक्टिवा है ना वो 350-400 के आसपास आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं वहाँ से सीधे आ चुका हूँ प्रोमिनेंट बीच पे, कोई तो रेस्टोरेंट है, और चलते हैं अभी आगे की तरफ। यहाँ पर आपको सारे जो पेंट और नाम दिखेंगे वो फ्रेंच में दिखेंगे, आप देख सकते हो फ्रांस स्टैंड्स विथ यूक्रेन ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। उसका एक ही रीज़न है, बिकॉज़ ये पूरा फ्रेंच ने रूल किया था इसको, ये सब कुछ आपको फ्रेंच टाइप ही दिखेगा यहाँ पर। कि जब आप गाड़ी लेकर आओ ना, मैं उनका आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ सबसे पहले यार। ये रहा कार्ड, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये रहा कार्ड, और इसके थ्रू आप उनसे ले लेना यार, और थोड़ा बार्गेन कर लोगे तो कम में मिल जाएगा। वेस्पा लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि उससे थ्री इडियट्स की वाइप आती है और फोटोज़ अच्छे आ जाते हैं। तो बस अब मैं दिखाता हूँ आपको, तैयार रहना। बहुत प्यारी जगह दिख रही है यार ये, तो मैं रात को आया था, इतना सुहावना इसलिए नहीं दिख रहा था जस्ट बिकॉज रात को रोशनी नहीं थी। और घूमते हैं अभी प्रोमिनेंट बीच। एक बात ध्यान रखना, जब आप स्कूटी लो तो उसका वीडियो बना लेना पहले ही, ताकि वो बाद में आपको कुछ बोल नहीं पाए कि यार आपने इसको कुछ खरोच मार दिया, कुछ गलत कर दिया। खैर क्या जगह है भाई, और यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स के जो होम है ना, जैसे GST ऑफिस है, GST भवन, चीफ सेक्रेटरीएट, चीफ टंग स्लिप हो गया, चीफ सेक्रेटरीएट गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी, तो उसका भी भवन भाई इन्होंने सी व्यू पे बना रखा है। क्या सेक्सी जगह है यार, और यहाँ पर व्हीकल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो भाई मज़े ले सकते हो यहाँ पर आके। और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं आसपास जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। एक प्रोमिनेंट करके होटल है जो कि 7-8 हज़ार रुपये पर नाइट मिलता है, और उसमें आप आके रुक सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस है पुडुचेरी का, अगर आपको बीच व्यू के साथ चाहिए। और सामने आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे, बहुत ही प्यारे। प्रोमिनेंट बीच बहुत ज़्यादा फेमस बीच है, तो उसको एक बार विज़िट करना तो बनता है, डे टाइम में या सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे आते हैं। और यहाँ पर आसपास मेमोरियल्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो पूरा जो है पूरा फ्रेंच स्टाइल में ही बनाया हुआ है इसको, बिकॉज़ ये सब पुराने ही है, कुछ भी नया नहीं है, लाइक 16 सेंचुरी का मान क्या सकते हो 16 सेंचुरी का ही है। और ज़्यादा कोई अभी भीड़ भी नहीं है, टूरिज़्म नहीं है अभी यहाँ पर, एकदम शांति है। और इस बीच पे नहाना अलाउड नहीं है बिकॉज़ यहाँ का जो पानी है वो अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा रफ है, तो यहाँ पर स्विमिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह ये जो बोर्ड दिख रहे हैं आपको, इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो ट्राई भी मत करना बेफालतू में अगर आते हो यहाँ पर तो। पर जगह बहुत मस्त है भाई, बहुत लंबी स्ट्रीट है वहाँ तक, और पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं जो सी व्यू के साथ आप जहाँ पर खाना खा सकते हो। आगे एक ले कैफ़े करके भी रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ का फेमस है, और यहाँ पर भी बैठने की कुछ सीट्स हैं, तो मज़े ले सकते हो यार। पर आप सराउंडिंग देख रहे हो, एक तो गोवा जैसा यहाँ पर क्राउड नहीं है, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, और मज़ा भी उससे बहुत ज़्यादा है। अभी तो खैर लोकल्स ही दिख रहे हैं यहाँ पर पूरे, और कोई है नहीं, और आप देख सकते हो पूरा बीच खाली है, एकदम साफ है, क्लीन है, सिर्फ कुछ लोकल्स या कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आके फेंक देते हैं यार सामान, कचरा।
तो मत फेंको अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। मैं तो इंदौर से हूँ तो मैं क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। आपको पता है इंदौर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। खैर घूमते हैं गाइज अब इसको जगह को और थोड़ा टाइम यहाँ बिताते हैं प्रोमिनेंट बीच पे। ये पूरी स्ट्रीट है वॉकिंग स्ट्रीट और जो मैं होटल जो बोल रहा था जहाँ पर अतिथि निवास है वो यहाँ से आप सीधे जाओगे और लेफ़्ट लोगे तो अपना होटल आ जाएगा जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर। मैं रात को भी आया था यहाँ पे, अभी तो मैंने गाड़ी ले ली पर रात को मैं पैदल ही आ गया था घूमते घूमते और पैदल चला गया था वापस 11 बजे 12 बजे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जगह 24 आवर्स ओपन रहती है और पूरी स्ट्रीट क्लीन है, देख सकते हो ज़रा सा भी कचरा नहीं है यहाँ पे। तो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग भी, बहुत अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं गाइस थोड़ा फिर दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे कुछ मेमोरियल्स बने हुए हैं वो दिखाता हूँ। तो भाई ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पर है पूरा मज़े लेने का जगह। मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और ये पूरी साफ एकदम स्ट्रीट है। एक्चुअली लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपको अगर सी व्यू चाहिए तो भाई प्रोमिनेंट में आके ही रुको, ऐसा अगर व्यू चाहिए तो प्रोमिनेंट होटल जो यहीं कहीं है यार, रात को दिखा तो था अभी दिखेगा तो आपको बताता हूँ। प्रोमिनेंट होटल में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आसपास इतने सारे होटल्स बने हुए हैं, लाइन से होटल्स बने हुए हैं। अरे सामने ही आ गया, ये आपको दिख रहा होगा द प्रोमिनेंट लिखा है इसके ऊपर, थोड़ा जूम करता हूँ और यही वो होटल है। अब आसपास भी बहुत सारे होटल्स हैं जो आप ले सकते हो, कुछ गवर्नमेंट के हैं शायद और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जैक्टली मालूम नहीं है मुझे, पर वो कंपैरेटिवली इससे चीप पड़ेंगी। और आपको इन ऑल अगर समझो ये होटल भी मिल रहा है तो आपको व्यू तो वही मिल रहा है ना, सेम व्यू मिल रहा है। यहाँ के लोग सब प्रोमिनेंट ही सजेस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं सब प्रोमिनेंट होटल को सजेस्ट करते हैं। मान लिया भाई कि यहाँ पर चाय की केटली और सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पर अगर आपको सी व्यू से लेना देना है तो भाई एक दो चाय की केटली अगर कम भी मिलेगी तो कोई मेरे हिसाब से उसमें गम नहीं है, और सस्ता मिल रहा है दूसरे होटल्स। ये होटल 7-8 हज़ार रुपये का है पर नाइट, पर फिर भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। आगे की तरफ जो है यहाँ पर स्टैचूज़ बने हुए हैं अलग अलग और मेमोरियल्स हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़े से टूरिस्ट हैं पर लोकल्स ही हैं ज़्यादातर अभी लोकल्स ही हैं, टूरिज़म अभी है नहीं। अक्टूबर और नवंबर दिसंबर जनवरी फेब तक रहता है जस्ट बिकॉज अभी का जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट मिलेगा। अभी मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है पर अगर आप बीच में कभी आ जाओगे तो गर्मी आपको इतना परेशान कर देगी। और एक तो ये ड्राई जगह है और कभी कभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसीना बहुत आता है बिकॉज़ अगर 38-35 डिग्री भी रहेगा तो 44 डिग्री टेम्परेचर लगेगा यहाँ पे, जैसा कि कल था, पर आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। ये यहाँ का एक दूसरा साइट है जो कि है लाइट हाउस, इसको भी आप विज़िट कर सकते हो भाई, पुराना ओल्ड लाइट हाउस है। और यहीं पे ये कुछ पिलर्स बने हुए हैं और ये गांधी जी का स्टैचू पिलर्स के पास में, मेंटेनेंस के लिए इन्होंने शायद सीढ़ियाँ लगा रखी है, देख सकते हो। और इसके सामने है ट्रिब्यूट वॉल जस्ट यहाँ पर, अगेन ऊपर तक एक पिलर है और सामने की तरफ एक और स्टैचू बना हुआ है, ये किसका है पास में जाके देखना पड़ेगा, पर आप ये देख सकते हो ट्रिब्यूट वॉल बहुत प्यारी है। ये शायद फ्रेंच के टाइम का कुछ तो है, उससे रिलेटेड ही इन्होंने बना रखा है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे वरना मैं आपको दिखाता। और सामने की तरफ ये स्टैचू है और आसपास वही बैठने की जगह और ये ओल्ड लाइट हाउस जो मैंने आपको दिखाया बाहर से। खैर आगे की तरफ चलते हैं और रेस्टोरेंट दिखेगा तो कुछ खाया जाए। खैर मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो करके ही आया, वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया पर मैं 2-3 दिन वहीं रुकने वाला हूँ तो आपको दिखाई दूंगा। अच्छा ब्रेकफास्ट था यार, 3-4 दिन से इडली खा खा के मैं परेशान हो चुका हूँ।
फाइनली कुछ और मिल गया मुझे इडली की जगह, बिकॉज साउथ इंडिया में इडली ना मिले हर जगह हर स्ट्रीट पे हर कोने में तो ऐसे तो काम चलता ही नहीं है ना। शांति बहुत है भाई, शेक वैक यहाँ पर कुछ है नहीं, जैसा दारू वारू आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं मिलेगा, पर कैफेज़ बहुत सारे यहाँ पे। और ये देख सकते हो ये जीएसटी भवन जो मैं आपको बता रहा था, ये कस्टम ऑफिस जस्ट इसके सामने है, सी व्यू। तो ये भी लोग मजे में है भाई, यहाँ पे जो गवर्नमेंट नौकरी करते होंगे मज़ा आता होगा यार। खैर एक ही जगह को बार बार देखो तो भी मज़ा ख़त्म हो जाता है। और ये देखो ये भी पूरा फ्रेंच में ही लिखा हुआ है, जेट एम मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच में आई लव को बोलते हैं, तो आई लव पौंडीचेरी ऐसा लिखा हुआ था वो। और ये वाला है जो मैं आपको बता रहा था फेमस कैफ़े, ले कैफे ले, ये रात को बंद था, अभी मोस्ट प्रोबेबली खुला हुआ होगा। और साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर लोग बैठे हुए हैं और सामने सी व्यू है, तो बहुत सही बना रखा है ये सी व्यू के साथ ले कैफे। और ये देखो भाई ये स्ट्रीट पूरी खाली है, शानदार एकदम, आराम से जॉगिंग कर सकते हो वॉक कर सकते हो मज़े ले सकते हो। पर यहाँ पर ज़्यादातर कपल्स ही दिखते हैं, आप जहाँ भी देखोगे कपल्स ही देखेंगे। रात को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपल्स ही कपल्स थे, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गम हो रहा है, पर बात यह है कि यहाँ पर कपल कल्चर ज़्यादा है, ऐसा ग्रुप कल्चर नहीं है, कपल ज़्यादा दिखते हैं हर जगह। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और दिखाता हूँ गाइस। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विमिंग प्रोहिबिटेड, जैसा मैं बोल रहा था हर जगह, तो इसलिए शोर पे मज़े ले सकते हो कोने में, पर ज़्यादा आगे नहीं जाना। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ के फेमस जगहों का, जो ऑरोविल है वो मैं कल जाऊँगा, उस जगह के बारे में मैं आपको वहाँ पे ही चल के ही दिखाता हूँ कैसा है वो। उसके अलावा पौंडी मरीना रूबी बीच एडन गार्डन ये सब एक एक करके जाते हैं, और स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो यहाँ पे, बॉटनिकल गार्डन भी है। अच्छा साइकिल का कल्चर यहाँ पर बहुत है, साइकिल्स हायर कर सकते हो चाहिए तो, जैसे मैंने वेस्पा हायर करी थी वैसे ही साइकिल्स हायर कर सकते हो, तो बहुत सही है, साइकिल चलाने के भी मज़ा है। पर सुबह और ठंड में तो दिन को भी चलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड में भी गर्मी ज़्यादा लगती है, बॉडी ऐसी है मालूम नहीं। पूरी स्ट्रीट पे साइड पे पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर अलग अलग कैफेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं सी व्यू के साथ, शायद इधर होटल रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आके पूछ सकते हो अगर प्रोमिनेंट में नहीं रुकना है तो। ये देखो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कपल कल्चर यहाँ पर बहुत है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे लोग। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंच लोग भी हैं, फ्रेंच कपल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है मार्कस पाउली, ऐसा ही कुछ नाम है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल थे पौंडीचेरी में फ्रेंच कल्चर लाने के लिए। शायद 16th century की है बात है जब से इन्होंने पौंडीचेरी पे अपना राज जमाया था, मार्क्विस पॉली नहीं मार्क्विस डुप्लेक्स, तो उनके नाम पे ये स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पर बैठने की जगह, और ये सामने भी कुछ और होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आप रूम्स ले सकते हो सी व्यू के लिए। और अगेन यहाँ पर सिर्फ बैठने और घूमने की जगह है, तो एंजॉय कर सकते हो साइड में। शायद और कोई भी एक रिसॉर्ट बना हुआ है यहाँ पर, शायद एग्जैक्टली मालूम नहीं, बिकॉज पीछे पूरी फेंस लगी हुई है और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी दिख रही है,
अगर रिसोर्ट होगा तो किसी बड़े होटल का ही होगा, बिकॉज एकदम कॉर्नर पे बना हुआ है शांति में। भाई रिसोर्ट तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट कोई टाउनशिप है जहाँ पर लोग रहते हैं, प्राइवेट टाउनशिप ही लग रही है। और उसके सामने ये सी व्यू है भाई, सही है एकदम। खैर चलते हैं गाइस अब अपने दूसरी स्पॉट पे और दिखाता हूँ आपको। तो भाई यही वाला वो रेस्टोरेंट है बेकर स्ट्रीट, आपने देखा अंदर ब्रेड अलग अलग टाइप की मिल रही थी। इसका मुझे जो कॉफ़ी थी यार वो बहुत बढ़िया लगी, और उसके अलावा भी आपको अगर फ्रेंच की ब्रेड्स और कुछ भी खाना हो तो भाई एक बार खा लेना। खैर कभी फ्रेंच साइड जाना होगा तो वहाँ पे वहीं के लोगों की बनी हुई खाएंगे, अब वो तो भगवान के ऊपर है वो कभी हमें वहाँ पर पहुँचाएंगे, पर फ़िलहाल इंडिया में ही फ्रेंच का मजा लो। तो सामने हैं गाइस प्रोमिनेंट बीच, और उसके पास में ही है फ्रेंच कॉलोनी जो कि आप विज़िट कर सकते हो। इस जगह का नाम है फ्रेंच कॉलोनी, यहाँ पर सारे ज़्यादातर जो घर्स ही बोलना चाहिए बिकॉज बहुत सारे घर ही हैं, तो घर्स इज़ माई प्लूरल फॉर्म फॉर घर। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे घर जो भी बने हुए हैं सब के सब येलो कलर में पेंटेड हैं, वो सभी फ्रेंच के बनाए हुए हैं, उसी टाइम के हैं, उसी पीरियड के हैं बहुत सारे। और अगर कुछ बिगड़ भी जाता है तो ये वापस उसको रीपेंट कर लेते हैं। तो यही पूरी वो कॉलोनी है, और सही जगह है, अलग अलग टाइप के घर देख सकते हो आप। और उधर आगे की साइड जहाँ पर प्रोमिनेंट बीच है उसकी एंडिंग है, और मैंने गाड़ी यहीं कहीं लगाई है बीच में, तो देखते हैं कहाँ लगा के आया, भूल गया मैं, हर बार गूगल पे मार्क कर लेना चाहिए यार वैसे तो। और यहाँ पे पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, ये भी सही लग रहा है, बहुत सही बना रखा है इन्होंने। जस्ट उधर की तरफ बीच है और बाहर की तरफ मैं आ चुका हूँ अभी ये वाले रोड पे, तो अलग अलग घर देख सकते हो यहाँ। और ये वाला जो है ये मोस्ट प्रोबेबली स्टे का ऑप्शन है, आप रुक सकते हो उसमें, कुछ नाम लिखा है इसका भी फ्रेंच में। बाहर की साइड होटल दी विले। तो बेसिकली ये पूरी स्ट्रीट है, चलो आगे चलते हैं। और ये है यहाँ का क्राफ्ट बाज़ार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, और यहाँ पर लेफ्ट साइड है पांडिचेरी म्यूज़ियम इस साइड पे, और राइट की साइड पे जो बीच मैंने आपको दिखाया। चलो अब यहाँ पर चलते हैं क्राफ्ट म्यूज़ियम देखते हैं, क्राफ्ट कॉलोनी काइंड ऑफ सही बना रखी है अभी। अलग अलग चीज़ें मिल रही है यहाँ पे भी जो आप ले जा सकते हो भाई, पूरी प्रॉपर स्पेस दे रखी है। और देखो क्लीनिंग अगेन हो ही रही है जैसा मैंने आपको बताया था, रात को भी बहुत सारे वर्कर्स क्लीन कर रहे थे स्ट्रीट्स को। साफ लगी यार जगह कंपैरेटिवली, अब इंदौर ही हूँ तो भाई साफ़ सफाई तो मुझे सबसे पहले सूझती है, 8-10 साल से नियम बन गया है वहाँ का, तो जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले सफाई सूझती है मेरे को तो। और यहाँ पे ये स्ट्रीट होती है ख़त्म, अगेन हम वहीं पे आ गए गाइस बाहर निकल के जो लाइट हाउस मैंने आपको दिखाया था, और ये सामने वो स्टैचू, अभी उसके पीछे की साइड आ चुके हैं, और यहाँ से ये वाला स्टैचू परफेक्ट दिख रहा है।
नेहरू जी का। एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट ने इस जगह का नाम चेंज कर दिया था। इस जगह का किसी लोकल ने मुझे नाम बताया था रात को, उसके बाद इस जगह का नाम इन्होंने नेहरू स्ट्रीट रख दिया था। पहले यहाँ का कोई फ्रेंच नेम था, तो उसके बाद इसलिए उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पर लगा रखा है। और यहाँ पर टॉय शॉप है और खाने पीने की यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं सामने। खैर इधर तो नहीं घुस रहा हूँ मैं, पर वापस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलता हूँ आगे। जस्ट बीच के सामने एक ये भी स्टैचू बना हुआ है, ये पूरा फ्रेंच स्टैचू ही है। क्या लिखा हुआ है वो तो मालूम नहीं, और जूम में शायद दिख जाए। और ऐसी कुछ जगह है यहाँ पर खाने पीने की, और सामने की तरफ बीच है, देख सकते हो। गाइस ये जो प्रोमिनेंट बीच के पास में स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट के पास में कम से कम 15 से 20 टाइप की मेन साइट्स हैं जो पैदल ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे तो लग रहा है कि आपको वेस्पा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पैदल ही घूम सकते हो 2-3 किलोमीटर में। पर उसके अलावा जो ऑरोवेल है यार, उसमें तो आपको जाना पड़ेगा, 12 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। और ये आइट साइड जितने भी आप घर देख रहे हो ये सब वाइट कलर के पेंटेड हैं, इसको वाइट टाउन भी बोलते हैं। कुछ कुछ चर्चेज हैं और कुछ कुछ जगह हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पर फिलहाल यहाँ पर है पौंडीचेरी की म्यूज़ियम, तो अभी मैं इसके अंदर घुसने वाला हूँ। ये वही रास्ता है जो बीच की साइड से आ रहा है, और यहाँ से आप पैदल आओगे ना तो सीधे पौंडीचेरी म्यूज़ियम आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं गाइज अंदर की तरफ, क्या पता शायद कुछ चार्जेस हैं कि नहीं, मालूम नहीं। और यहाँ पर प्लेनेटेरियम भी है, कुछ चार्जेस हैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 9 AM to 6 PM का टाइम है विज़िट करने के लिए। हॉलीडेज़ है, मंडे और पब्लिक हॉलीडे पे बंद रहता है। चलो देखा जाए। भाई भाई फीस फॉरेनर्स के लिए 50, एडल्ट्स के लिए 10, बच्चों के लिए 5 रुपये। फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो शायद नहीं दिखा पाऊँगा अंदर, खुद ही देखना पड़ेगा आपको आके। और यहाँ से देख सकते हो ये वाली वो जगह है, और यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं अलग अलग, सारे भगवान से रिलेटेड ही हैं, ऑल द गॉड्स। पर अंदर नहीं दिखा पाऊँगा यार गाइस, क्या करूँ, पूछता हूँ अलाउ किया तो। तो भाई पूरी म्यूज़ियम देख ली, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर 10 रुपये की टिकट है। अंदर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना कि आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब एक बार तो ज़रूर विज़िट करना बनता है। अंदर बहुत सारी चोला डायनेस्टी की चीज़ें पड़ी हुई है, फ्रेंच वाले लोग जो यूज़ करते थे चीज़ें वो पड़ी हुई है। वीडियो कहीं भी बनाने नहीं दिया तो मैं दिखा नहीं पाया, पर वाकई एक बार देखने लायक है। मैं एक्चुअली म्यूज़ियम्स लाइक नहीं करता हूँ, मुझे ये ऐसे घूमना पसंद नहीं है और चीज़ें देखना पसंद नहीं है। खैर हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है, पर फिर भी मुझे ये म्यूज़ियम बहुत अच्छी लगी, तो एक बार इसको विज़िट ज़रूर करना यार, बहुत सही जगह है ये, लिटरली एक बार देखना बनता है। बिकॉज बहुत जो पुरानी पुरानी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, कॉइन्स पड़े हुए हैं, आर्मर पड़ा हुआ है, वेपन्स पड़े हुए हैं जो फ्रेंच लोग यूज़ किया करते थे, तो एक बार देखना बनता है यार, ज़रूर आना इधर, इसको मिस मत करना। जस्ट सा कुछ तो बना हुआ है, स्टैचूज़ बने हुए हैं, और ज़्यादातर तो भाई तेलुगु में ही लिखा रहता है तो मुझे पता नहीं है। और ये जो जगह है ना, ये राजभवन है, ये गवर्नमेंट का कोई भवन है और बहुत फेमस है, लोग इधर भी आते हैं, पर शायद अभी एंट्री बंद कर रखी है। बाहर से ही फ़ोटो खींचना अलाउड है, अंदर तो जाने नहीं देंगे, पर देख सकते हो। और इस जगह का नाम रूएस सेंट लुइस करके कुछ तो लिखा हुआ है, और ये है राजभवन जो बहुत सही दिख रहा है। यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है बैठने का, साइड में बैठ सकते हो अंदर आके, और छाया है अंदर, फाउंटेन्स चल रहे हैं, सॉरी स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है जो पौधों को पानी दे रहा है, फाउंटेन नहीं है। खैर चलो गाइज आगे चलते हैं, यहीं पे पास में एक रॉक बीच भी है, और ये वाली म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में एक्चुअली एक लाइब्रेरी भी थी, उसमें बहुत पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं, वो म्यूज़ियम्स वो बुक्स भी आप ज़रूर एक बार पढ़ना अगर कुछ अच्छा हो तो, पिकासो से रिलेटेड। अच्छा एक नटराज का जो लॉर्ड शिवा है हमारे,
उनका एक बहुत प्यारा स्टैचू बना हुआ था, उसको देख के वाकई घूसबम्स आ गए यार। और ये एक और लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पे, रोलैंड लाइब्रेरी, इसको भी विज़िट कर सकते हो भाई। मेरी तो खैर अभी कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे पढ़ने की अंदर जाके, पर रीडिंग हॉल है यहाँ पे, और आसपास भी सुवेनियर की शॉप्स बनी हुई है कुछ ख़रीद के जाना हो तो। और ये पूरा फ्रेंच कॉलोनी है बेसिकली, सारे घर आपको फ्रेंच स्टाइल में बने हुए दिखेंगे, देख सकते हो। और यहाँ पर सामने की तरफ है श्री औरोबिंदो की सोसाइटी, एक्चुअली पास में ही एक औरोबिंदो का, जो आपको मालूम होगा औरोबिंदो कौन थे, योगी थे, पोएट थे, जो जिन्होंने हमको बहुत सारा कुछ सिखाया है भाई लाइफ में, और उनका एक योगा का प्लेस है जिसको आप विज़िट कर सकते हो, ये देख सकते हो औरोबिंदो सोसाइटी। और इधर भी वैसी स्ट्रीट बनी हुई है पूरी फ्रेंच स्ट्रीट, जो जस्ट बीच के पास में ही है, देखो रूए सेंट मार्टिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। खैर चलो चलते हैं गाइस आगे की तरफ। तो भाई जो पार्क मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रहा था, वहाँ से अगर अंदर आओगे तो अंदर आके आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये एक मेमोरियल बना हुआ है, और इसके पास में एक आई मंडपम करके भी एक जगह है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, पर ये देख सकते हो सही दिख रहा है। क्या है एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे अगेन तेलुगु में लिखा हुआ है, और तेलुगु मुझे समझ में नहीं आती है, मोस्ट प्रोबेबली आगे लिखा होगा। और यहाँ पे ये तोप के कुछ तो गोले टाइप जिससे ये फायर करते थे वैसा कुछ बना हुआ है, मे बी सजाने के लिए लगाया है। हाँ आगे लिखा हुआ है, तो ये पढ़ सकते हो भाई इंग्लिश में, और अगेन यहाँ पे तेलुगु में लिखा है। और ये रहा कुछ तो स्टैचू है, देख सकते हो। खैर और यहाँ पे आसपास पूरा पार्क है भाई, बैठने का बैठ सकते हो, मज़े ले सकते हो, टाइम पास करने के लिए अच्छा पार्क है। तो गाइज मुझे किसी ने बताया अभी कि इस जगह का नाम आई मंडपम है, आई मंडपम, और इस जगह को भारती पार्क बोलते हैं बेसिकली, तो उस पार्क के अंदर ये वाली जगह है आई मंडपम, जिसको आप देख सकते हो आके एक बार। सब फ्रेंड से रिलेटेड ही है यार, जो भी है कुछ अलग नहीं है। खैर चलते हैं अभी बाहर की तरफ वापस, बिकॉज जब पौंडीचेरी में बीचेस हों तो पार्क में आके कौन बैठेगा यार, पार्क तो हर जगह है, और ज़्यादातर वैसे भी मुझे यहाँ पे लोकल्स ही दिख रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट है नहीं, टूरिस्ट लोग सब बीच के आसपास ही इंजॉय करते हैं, और मुझे भी बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, पार्क इतने अच्छे नहीं लगते बिकॉज मैन मेड है यार, मैन मेड चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। आपने मेरी कश्मीर की सीरीज़ देखी होगी, तभी मैंने ऐसी ऐसी जगहें जाता हूँ, ऑफ बीट ट्रैवलर भाई ऐसे ही थोड़ी नाम रख दिया अपना, किसी वजह से ही रखा है कि मुझे ऑफ बीट जगहें देखना पसंद है, जहाँ पर टूरिज़्म नहीं है, जहाँ पर कुछ भी मैन मेड नहीं है, सब क्रिएटेड नहीं है, सब नेचुरल होना चाहिए। पर ठीक है एक बार विज़िट करना तो बनता ही है। चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने आपको स्टैचू दिखाया था वही जगह, और ये सामने की तरफ ये पार्क, इसको जहाँ पे आई मंडपम मैंने आपको दिखाया, एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो यहाँ पे रॉक बीच भी है, बेसिकली वो प्रोमिनेंट बीच का ही एक पार्ट है जिसको ये रॉक बीच बोलते हैं, कोई अलग से वो जगह नहीं है। उसके अलावा दूसरे बीचेस हैं यहाँ पे, पैराडाइज बीच, सेरेनिटी बीच, तो वो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखूँगा ऑब्वियस ही बात है। तो भाई यहाँ पे साइकिल्स भी आज भी चलती हैं, तो मेरे हिसाब से तो साइकिल से ही पूरा एक्सप्लोर कर लो यार, पर अगर फिर भी आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी हुई थी, और बेसिकली यही एक रास्ता मुझे दिख रहा है जिस रास्ते पे पूरी सारी चीज़ें हैं, और यहीं पे पास में एक मंदिर है बहुत बड़ा, तो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ चल रहा हूँ आपको लेके, और देखते हैं वो क्या है। तो मैंने तो गाड़ी उठाई नहीं गाइस, बिकॉज़ सामने वो मेरी गाड़ी पड़ी है और ये भी मंदिर भी यहीं पे ही है, जस्ट प्रोमिनेंट बीच के सामने। और आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बुक स्टोर्स हैं, फ्रेंच की बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, और ये एक विला है, विला डेज गोवर्नियस, यार पता नहीं जो भी है यार फ्रेंच में लिखा हुआ है क्या क्या लिख देते हैं ये, और ऐसा कुछ दिख रहा है ये। और इन विलास में भी आप रुक सकते हो, ये 4-5 हज़ार रुपये के विलास हैं गाइस, बहुत सारे विलास हैं यहाँ पर आसपास जिसमें आके आप रुक सकते हो अगर आपको फ्रेंच का थोड़ा सा कल्चर एक और यहाँ का थोड़ा जो विंटेज टाइप जो घर है अगर वो एक्सपीरियंस करना है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे विलास हैं अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो आप रुक सकते हो, पर 4-5 हज़ार का मिलेगा। यह एंट्रेंस है मंदिर की, लोटस फ्लावर्स, और सामने है अरू लू मेगु मानकुला विन्यागर देवा स्थानम, भाई देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है यार, कितनी प्यारी कार्विंग्स है इसके ऊपर, और ये एंट्रेंस है मंदिर की। यहाँ पे गणेश टेंपल लिखा हुआ है गाइस, और यहीं पे जूते रखने हैं तो पहले जूते उतार दें उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, और दिखाता हूँ आपको कैसा ये टेंपल। तो देख सकते हो भाई मंदिर के जस्ट ऊपर छत पे बनी हुई है ये पेंटिंग्स, इतनी प्यारी लग रही है, देख सकते हो। और जूते उतार दिए और यहाँ से है एंट्री, तो चला जाए अंदर। सेलफोन वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, देख लो सामने लिखा हुआ है तो शायद नहीं दिखा पाऊँगा, आपको ही आके देखना पड़ेगा। मंदिरों की और बहुत सारी जगहों की कुछ ऐसी ही रहती है यार, पास में भी आपने देखे मेरे साथ कितने ज्योतिर्लिंग विज़िट किए हैं, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है, पर आप देख सकते हो यहाँ से कुछ तो दिख रहा है, खैर मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा पर अंदर अलाउड नहीं है। देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है अंदर से, तो एक बार आके इसको विज़िट ज़रूर करना, बिकॉज़ आप ये देख सकते हो जो भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जो कार्विंग्स है वो बहुत प्यारी है अंदर, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और यहाँ तेलुगु में टाइमिंग्स लिखे हुए हैं मंदिर के, और ये वाली कार्विंग्स देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, बेसिकली एक गणेश मंदिर है ये, और यहाँ पर मेन स्टैचू रखा हुआ है इधर की तरफ, सब गोल्ड में है बेसिकली, यही है वो जगह, और यहाँ से एंट्री है। इधर भी गणेशा के बहुत सारे कार्विंग्स बने हुए हैं, देख सकते हो, अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा पर बाहर से देख लो यार, कुछ ऐसी जगह ही है। और साइड में यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है और चीज़ें मिल रही है जो आप चढ़ा सकते हो अंदर, पहली बार ऐसी माला पहली बार देखी है ऐसी ब्राउन कलर की, ये भी प्यारी लग रही है। स्टैचूज गणेशा के प्यारे लग रहे हैं ये सब। चलो जाता हूँ गाइस अंदर प्रसाद लेके, और मिलता हूँ वापस बाहर आके। गाइज इतना प्यारा मंदिर मैंने ना आज तक नहीं देखा यार, इतना खूबसूरत मंदिर है,
आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे गणेश जी की बहुत सारी कार्विंग्स करी हुई है, बहुत सारी पूरे मंदिर में। और सब वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी बना ही लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे कुछ तो बच्चे प्रेयर गा रहे हैं गणेश जी के लिए, तेलुगु में ही गा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। और वहाँ पर मेन मंदिर है ये वाला, और ये पूरा अंदर से ऐसा मंदिर है गाइस, देख सकते हो। और कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना खूबसूरत है। कुछ चीज़ें होती है ना उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ये वैसी ही जगह है सच में। और बहुत पॉजिटिविटी है इस जगह पे, देख सकते हो। और कितना खूबसूरत है। चलो गाइस बाहर की तरफ चलते हैं। अलग अलग वैसे सब गणेशा के यहाँ पे फॉर्म्स है अलग अलग। तो गाइस देख सकते हो ये है कैफे, और ये पूरी जो स्ट्रीट है ये फ्रेंच स्ट्रीट है, फ्रेंच टाउन बोलते हैं इसको। सारे घर सारी जगहें आपको यहाँ पर फ्रेंच जैसी लगेंगी, काफ़ी ओल्ड है ये पूरी स्ट्रीट है। पूरी स्ट्रीट में आप घूम सकते हो, सारे आपको येलो कलर्ड दिखेंगे ज़्यादातर। और अगेन यहाँ पर बहुत सारे कैफेज़ हैं अलग अलग टाइप के फ्रेंच रिलेटेड जो आप ट्राई कर सकते हो। अनोखी मोस्ट प्रोबेबली ये भी रेस्टोरेंट ही है खाने पीने का। काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ऐसी जगहों पे आपको रहना भी। खैर अनोखी रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर, कुछ तो लेडीज़ का मिल रहा है सामान खरीदने को, पहले मुझे लगा रेस्टोरेंट होगा। और ये भी आप देख सकते हो येलो कलर्ड पूरे घर जो उसी टाइम के बने हुए हैं, और हर किसी घर का नाम ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ऊपर तेलुगु लिखी हुई है और नीचे फ्रेंच लिखी हुई है। देखो एक साइड वाइट टाउन है पूरा और एक साइड पूरा फ्रेंच टाउन है। ये पूरी गलियां हैं बेसिकली, इस गली को घूमते हुए एक्सप्लोर कर सकते हो। इतनी ज़्यादा फ्रेंच वाइब्स आ नहीं रही हैं जैसा लोग बोलते हैं ना, काफ़ी आपको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आके ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, पूरा फ्रेंच जैसा माहौल है, वैसा कुछ मुझे अभी तक लगा नहीं है। दो दिन से तो मैं घूम ही रहा हूँ और नॉर्मल साउथ इंडियन पीपल ही दिख रहे हैं हर कहीं। और वैसे फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते तो हैं काफ़ी सारे, पर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एकदम ही पूरी फॉरेन वाइब्स आपको नहीं आएंगी मेरे हिसाब से तो यार। सिर्फ देखने में काफ़ी जो घर है वो वैसे दिख रहे हैं क्योंकि बने हुए वैसे हैं, बाकी ऐसा एकदम से फॉरेन वाइब्स आना मैं नहीं बोलूँगा। ये भी कोई मंदिर है शायद, मंदिर है कि चर्च है। अब चर्च में घंटा क्यों बजा मुझे नहीं मालूम, चर्च में बजाते हैं कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये चर्च है, बाहर नाम लिखा हुआ है इसका। चलते हैं गाइज अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ यार चर्च है, यहीं से दिख रही है, ये देख सकते हो मेन अंदर, जूम कर लिया मैंने पूरा। और ये आंटी जी सामने खड़ी हुई हैं वरना आपको दिख जाता। और इस चर्च का नाम है नोट्रे डेमी डेस एंजेस एग्लाइस कैथोलिक। चलो दिखाता हूँ यार रास्ते में दिख गई तो, ये फ्रेंच स्ट्रीट के साइड पे ही लोकेटेड है। चर्चेज में शायद शू पहनना अलाउड होता है अंदर। ये देखो कैसी दिख रही है, पर भी स्टैचूज बने हुए हैं, कैंडल चल रहा है।
अगेन बहुत शांति वाली जगह है, यहाँ पर कुछ टाइम बिता सकते हो और बहुत प्यारी बनी हुई है चर्च, नो डाउट। मुझे क्रिश्चियंस के बारे में एग्जैक्टली कुछ मालूम नहीं है तो कुछ गलत बोल दूँ गाइस तो माफ़ करना, और जितना पता है उतना तो बताने की कोशिश करूँगा। भाई थोड़ा आगे चल के आओगे तो आपको एक ये वाला होटल दिखेगा, पैलेस डी माहे, और ये सबसे महंगा होटल है यहाँ का, पुडुचेरी का। सबसे महंगा तो नहीं, इससे महंगे भी थे पर ये भी महंगे से कम नहीं है। 20,000 रुपीज़ इसका पर नाइट का चार्ज है, और आप देख सकते हो उसको गूगल पे जाके, यहाँ पे तभी लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। अब जिसको हवाबाजी करनी है खिंचा लो भाई, मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। पर आपको अगर पुराने टाइप के वो फ्रेंच कल्चर टाइप के विंटेज वाइब्स वाली चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है ना तो आप कर सकते हो। और मुझे पता है ये स्टोरी सब इंस्टाग्राम पे ही जाएंगी इन लोगों की, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं एक्चुअली रुकूँ तो डालूँ तो उसका मज़ा अलग ही है। खैर सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है यार, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। कमेंट्स में आके गालियाँ मत देना। उसके सामने एक ये KBS कैफ़ी बाज़ार है, उससे मैंने अभी दही पूरी खाई और एक ये ब्रेड ली, और बहुत प्यारा कैफ़े है। बहुत सारी चीज़ें यार इन लोगों के पास खा सकते हो और बहुत सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। कैफ़ेज़ की एक ख़ास बात यही लगी मुझे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सस्ती मिल रही है, ज़्यादा महंगी नहीं है बजट में। मतलब कैफ़े वरना लूटते हैं, आपने देखा होगा दूसरे, अगर बॉम्बे दिल्ली के चार्जेस देखोगे तो क्या चार्जेस हैं। तो यहाँ पे अच्छा होने के साथ साथ, हैंडमेड होने के साथ साथ, फ्रेश होने के साथ साथ सस्ता मिल रहा है सब कुछ। और मैं इनकी वन ऑफ दी केक ट्राई करने वाला हूँ, ये वाला। उसके अलावा भी इनके पास 30-40 और केक्स थे, वो आप ट्राई कर सकते हो। मैं जो जो कैफ़े जा रहा हूँ एटलीस्ट आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूँ कि आप भी इंजॉय कर सको। और अगेन ये सामने एक स्कॉल करके एक रेस्टोरेंट है, ये भी कितना प्यारा दिख रहा है यार, इधर भी जा सकते हो। मुझे नहीं मालूम अंदर क्या होगा, इनका खाना कैसा होगा, पर दिख बहुत बढ़िया रहा है। और ये बेसिकली पूरी फ्रेंच कॉलोनी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वाइट टाउन भी है, आधा वाइट टाउन है और आधा फ्रेंच कॉलोनी है। तभी यहाँ पर देखो, आप सब देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंच में ही लिखा हुआ है, रुए डी बस्सी। कॉमेडियन बस्सी याद आ गया इससे। और भाई इसको जितना एक्सप्लोर करो कम है, बहुत लंबी खासी स्ट्रीट से, और बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंच लोग घूम रहे हैं, काफ़ी सारे वहीं के लोग हैं, और इवन फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा हैं, इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा मुझे अभी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं करंटली। और देख लिया गाइज, अब बहुत हो गया, अब इस स्ट्रीट पे मैं और नहीं घूम सकता हूँ। मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं इस स्ट्रीट पे घूमते घूमते, इवन जबकि मैंने गाड़ी ले रखी है उसके बाद भी। अगेन यहाँ पे फ्रेंच में नाम लिखे हुए हैं अलग अलग, रुए सुप रेन, जो कि बन रहा है अभी। और ये एक और यहाँ पर रेस्टोरेंट है, कुछ तो नाम लिखा हुआ है इसका, रेंडी जैवोर कुछ तो करके लिखा हुआ है, रेंडेजवस सिंस 1994। चलो चलते हैं। और इधर की तरफ भी एक होटल है, उसका नाम है ग्रैंड होटल
डी यूरोप। तो बेसिकली ये सब महंगे महंगे होटल्स हैं यार, पूरी विंटेज वाइब्स देंगे आपको अंदर से। अगर आपको रुकना है तो रुक सकते हो। वो सामने की साइड जो आपको दिख रहा है वही वो प्रोमिनेंट बीच है जहाँ पर अपन चले थे, उसके सामने ये पूरी कॉलोनी है। तो एक्सपीरियंस कर सकते हो यार, पैसा उड़ाना है तो उड़ाओ, मेरे पास तो नहीं है भाई इतना पैसा ऐसे घरों में डालने के लिए। उससे अच्छा तो मैं बीच पे जाके बैठ जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बीच व्यू के साथ अगर मिल जाए तो बात अलग है कि यार वो वाकई डिफरेंट होगा, विंटेज वाइब और बीच व्यू। पर ये सब बीच व्यू के साथ नहीं है, ये सब यही नॉर्मल रोड के व्यू के साथ है, तो कोई मतलब नहीं उठता। और जो ये पैलेस डी माहे है ना, इन्होंने अंदर बहुत प्यारा स्विमिंग पूल बना रखा है, इसलिए यहाँ पर इतना कॉस्ट है उनका। अंदर से जो होटल है वो बहुत प्यारा दिखता है, आप जाके देख सकते हो गूगल पे सर्च करके इसको। चलो चलते हैं गाइस अब वापस आगे की तरफ, और भी बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने की। भाई पैलेस डी माहे के आगे एक रेस्टोरेंट है जो कि फाइन डाइनिंग है, कोरोमंडल करके। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, यहाँ पे चिकन और प्रॉन्स खाए, बहुत सेक्सी था यार। ऑफ कोर्स महंगा है बट सेक्सी था, और अंदर के आप इंटीरियर्स देख सकते हो। थोड़ा आगे चल के अभी दिखाता हूँ पूरा, पर बहुत सही वाइब्स है इसकी, मस्त है। प्लेस गाइस, बाहर भी बैठने की जगह और अंदर तो थी आपने देखा, और कुछ ऐसे वाइब्स हैं इसके। चलो चलते हैं बाहर की तरफ, फाइनली आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ पे इनकी बेकरी भी है सामने की तरफ। तो गाइस फिर से मैं पैदल चल के आ गया, और पैदल ही चल के अगर आप आगे देखोगे तो इमैक्यूलेट कैथीड्रल। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ। देख सकते हो अंदर कुछ तो अभी चल रही है, इनकी प्रेयर चल रही है। पर कितनी बढ़िया दिख रही है यार, और यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है। शायद मास चल रहा है कि क्या चल रहा है, पर तेलुगु में चल रहा है, और यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है। बहुत ही प्यारी लग रही है। थोड़ा अंदर चल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो अंदर से, प्रेयर चल रही है, फादर खड़े हैं सामने। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हो ये कैथीड्रल थी, और यहाँ सामने की तरफ जो पैलेस डी माँ है और जितनी भी जगह है वो इधर सामने की तरफ ही है, जस्ट 300 मीटर की दूरी पर है यार। मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप पूरा पांडिचेरी पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ कुछ जगहें बहुत दूर हैं जहाँ पर हम कल जाएंगे, और उसके अलावा ऑरोविल भी है, ऑरोविल भी थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ कल चलेंगे। अब सुबह से घूम घूम के तो मैं थक चुका हूँ गाइज, तो फाइनली जा रहा हूँ अपने होटल अतिथि में, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अब मैं सुबह मिलता हूँ कल। तो मिलते हैं गाइस मॉर्निंग में, बाय बाय। तो गाइस 2 मिनट में पहुँच भी गया यार होटल। मेरे होटल की सबसे सही बात यह है कि यहीं पे पार्किंग स्पेस भी है, अगर आप कोई भी 2-व्हीलर रेंट करते हो, वो पीछे येलो कलर की आपको दिख रही होगी, तो बहुत इजी है यार। अगर आप कोई भी गाड़ी रेंट करते हो तो डायरेक्टली आके यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और 3,300 में इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा। पूल दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, खाना दे मतलब ब्रेकफास्ट दे रहे हैं,
इतना सही लग्जरी एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इतना बड़ा रूम है जिसमें तीन लोग तो अच्छे से अकोमोडेट हो सकते हैं, और फिर भी ठूसना हो तो एक जना और ठूस सकते हो यार, जो मैं अक्सर कर लेता हूँ पैसे बचाने के लिए। खैर, यह है होटल बाहर से। मैंने जैसे आपको दिन को दिखाया नहीं था, अभी दिखा देता हूँ थोड़ा सा अंदर चल के। ये मेन पार्किंग है, यहाँ के लोकल लोग मतलब जो आसपास से आए हैं, आसपास की सिटीज़ से, वो यहीं आके रुक जाते हैं यहाँ। और ये है एंट्रेंस पूरी, कुछ तो फ्रेंच के नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। सही है, अंदर आते सही बढ़िया ठंडा ठंडा लगता है। और 6 फ्लोर है यहाँ पर, और बैठने की जगह है। पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं, अतिथि होटल को, मेरे को समझ में नहीं आता है। महंगे महंगे होटल्स बताते रहेंगे, जितने भी मैंने रील्स देखी है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के होटल्स उसमें दिखा रहे हैं, ये तो दिखाई नहीं रहे। इसके सामने भी एक और है, वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था दिन को, शैनेगा, जस्ट बाहर निकल के वहाँ से सामने से एंट्री है। उसके क्या चार्जेस है मालूम नहीं, पर अभी तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो चलो चला जाए। 2nd फ्लोर पे है मेरा रूम। भाई बाहर निकलते से ही ऐसा कुछ, और यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं। ये वाला होटल है गाइस जो आपको सामने दिख रहा है, बहुत बड़ा खासा होटल है यार, शैनेगा, मोस्ट प्रोबेबली यही नाम है इसका, सामने लिखा है शैनबागा वॉट एवर। और यहाँ से ऊपर स्विमिंग पूल और दूसरी जगहों पे जाने के रास्ते हैं, और वैसे तो लिफ्ट से भी जा सकते हो, 6 फ्लोर है क्योंकि। और ये है पूरी पैसेज आइल एरिया, और ये मेरा रूम है 220। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, हालत ख़राब हो गई है यार पसीने में, आपको फेस पूरा चमकता हुआ दिख रहा होगा, ये इसी वजह से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और 35-38 डिग्री टेम्परेचर है, तो कुछ नहीं कर सकते। खैर अब सोऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे कल सुबह ही मिलता हूँ, अभी तो खैर शाम की 6 बजी है, रात को जाके डिनर भी करना है, और अगर कहीं जाता हूँ तो आपको वो भी दिखाऊंगा, अगर मूड बन गया कहीं पे जाने का, कोई अगर जगह अच्छी दिख गई तो आपको रात को दिखाता हूँ, वरना कल सुबह मिलते हैं गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई पैराडाइज बीच पे, और उनकी एंट्री यहीं पे ये सब ऑपरेट होता है, और ये कोई बीच ओपन बीच नहीं है, आपको पैसे भर के आना पड़ेगा, ये 70 रुपये की टिकट है, और ऐसा बैंड पहनाते हैं हाथ में, सैंड ड्यून्स देखो लिखा हुआ है पैराडाइज बीच का, और फिर आप अंदर जाते हो और यहाँ पर एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर सकते हो। आगे चल के देखते हैं यार, एक्चुअली जो मेरी लोकेशन थी वहाँ से 13 किलोमीटर्स दूर है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो सेंटर है पांडिचेरी का वहाँ से 13 किलोमीटर्स दूर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव सैंड ड्यून्स, और बीच है, एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग करने को, अभी तो खैर कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, और अजीब ही जगह लग रही है। मुझे तो लग रहा था कि बीच होगा प्रॉपर, क्योंकि पैराडाइज बीच नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, वे टू बीच देखो लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि यार प्रॉपर नाम होगा, सॉरी प्रॉपर नाम नहीं प्रॉपर बीच होगा जिस तरीके से नाम है, पर बीच वीच मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आगे चल के हो सकता है शायद हो, ज़्यादातर तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है बच्चों की, और अगर आप भी इंजॉय करना चाहो तो बोटिंग यहाँ पे हो रही है, उसके अलावा स्पीड बोट है, कायाकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखते हैं आगे चल के क्या है। बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड जगह है यार, मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ एक्टिविटीज़ है यहाँ पर मेजरली, अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो तो, बिकॉज नॉर्मल ओपन बीच इज़ ऑलवेज द बेस्ट rather than this private kind of thing, सब लिखा हुआ है यहाँ पे।
क्या क्या कर सकते हो। एक ये फ्लाई फिश वाली बहुत सही चीज़ है, इसमें जो बनाना बोट राइड होती है इसमें आपको सीधे हवा में उड़ा के ले जाता है, आपने देखा होगा अभी बहुत कॉमन हो गया ये, और बाकी सब तो आपने देखा ही होगा नॉर्मल चीज़ है, सिर्फ एक फ्लाई फिश बहुत अलग ही चीज़ है। यहाँ पे बार है, कोई फिश रेस्टोरेंट है, फैट फिश रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, और है यार बीच है यहाँ पे, तो यहाँ से चलते हैं बीच की तरफ, पर खुला ओपन बीच नहीं है, इट्स अ प्राइवेट बीच। पहले ये दिखा देता हूँ एक्टिविटीज़ वाली जगह, फिर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई हैं और स्पीड बोट्स खड़ी हुई हैं, उसके अलावा जॉर्बिंग करनी है पानी में आपको वो भी कर सकते हो, पर अभी तो कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे। यही वो जगह जहाँ से बुक करके आप कर सकते हो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और यहाँ पर अगेन वही जो मेले टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, मेले में मिलती है ये बहुत सारी इस टाइप की, वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ये है मेन बीच, यार सही लग रहा है यार, बीच बहुत सेक्सी लग रहा है, लाइक प्रॉपर सैंड, यहाँ से देख के तो थोड़ी थोड़ी मालदीव जैसी वाइब्स आ रही है, पर अभी अंदर जाके ही पता चलेगा कैसा है। देखो यहाँ पे रेन डांस, लॉकर रूम, लैंड एडवेंचर कुछ तो लिखा है, और यहाँ पर ये सब है, यहाँ वॉशरूम्स है, और यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट्स है, वही शेक जैसा सिस्टम। अंदर चलते हैं देखते हैं। तो भाई ये रहा वो बीच, क्या प्यारी सैंड है यार यहाँ की, और साफ है एकदम बीच, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक तो शेक है, वो भी शायद अभी बंद पड़ा है, पर पीछे वाले रेस्टोरेंट खुले होंगे, उस पीछे पीछे वाली साइड पे रेस्टोरेंट्स है। वॉलीबॉल के लिए ये जगह, और सामने है मेन बीच, बहुत अच्छा खासा बड़ा बीच है यार वॉक करने के लिए, और सही लग रहा है एकदम। लोग नहा भी रहे हैं पर मेरी कोई इच्छा नहीं है नहाने की। अच्छा स्पेशली लिखा ही हुआ है यहाँ पे नो स्विमिंग, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पांडिचेरी के ज़्यादातर बीचेस पे स्विमिंग अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का वाटर रफ है। देख सकते हो भाई क्लोजली कितना प्यारा लग रहा है, सेक्सी बीच एकदम, कोई कोई लोग नहा रहे हैं एकदम शोर के पास में, पर यहाँ का वाटर रफ है और बहुत सही लग रहा है। ये जो सैंड है, ये सैंड एकदम अंडमान जैसी लग रही है, मैंने अंडमान में देखी थी ऐसी, गोवा में तो ऐसी मिलती नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप साउथ गोवा साइड जा रहे हो तो, नॉर्थ गोवा में तो आपको नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे शांति है, कोई क्राउड नहीं है, और थोड़े बहुत ही लोग हैं, वो भी टूरिस्ट नहीं है, लोकल्स ही हैं, इसलिए खाली पड़ा हुआ है पूरा बीच। पर अभी थोड़े टाइम बाद भीड़ हो जाएगी, जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होगा, नवंबर आने लगेगा, दिसंबर आने लगेगा, तो भीड़ हो जाएगी, जस्ट बिकॉज टेम्परेचर्स नॉर्मल हो जाएंगे तो लोग छुट्टी मनाने आ ही जाएंगे। ये देखो भाई कहाँ कहाँ तक आ रही है, जबकि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ। चलो गाइस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे दूसरे स्पॉट पे। सेक्सी। तो भाई अभी मैं आके रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, और रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है, थोड़ा सा आगे आओगे जहाँ पर बाहर बैठने की जगह है, और एकदम सस्ता खाना है यार यहाँ पे, गोवा जैसा कुछ भी महंगा नहीं है, सब नॉर्मल रेट्स ही है कुछ भी। तो भाई ये है यहाँ का सिट आउट एरिया, पूरा एसी सिट आउट है, फूड का चार्ज एकदम नॉर्मल है, अंदर बार है, बाहर खुले में बैठने की जगह, यहाँ से देख सकते हो।
जो ये वाला बीच है गाइस, यहाँ पर स्मोकिंग करना और अल्कोहल पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी है आपको अंदर ही बैठ के पीना पड़ेगा, और यहाँ पे बाहर आके गंदगी नहीं फैला सकते, और यहाँ पे कुछ भी पी भी नहीं सकते हो। तो एक तरीके से अच्छा है यार, बीच साफ रहेगा और क्या ही चाहिए, लग रहा है एकदम। इसके पास में एक एडन बीच करके भी है, जो यहाँ से पैदल नहीं जाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज उसके बीच में पूरा सी है, उसके बाद वो बीच है। तो वापस जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से निकल के वापस जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ पैदल जाते जैसे हम कैलंगट और बागा में जाते हैं ना, तो 1-2 किलोमीटर पड़ता है। अभी ये 9 किलोमीटर की दूरी पर बता रहा है यहाँ से। तो अब एडन बीच जाएंगे, वो वन ऑफ दी ब्लू बीच है यहाँ का, मतलब ब्लू टैग मिला हुआ है उस वाले बीच को, और मतलब ब्लू टैग से आप समझते हो जो बीच को दिया जाता है, मतलब क्लीनेस्ट बीच मानते हैं उसको, ऑफिशियल टैग दिया जाता है, कोई अथॉरिटी होती है यार, उस अथॉरिटी का नाम नहीं मालूम। ये सारे फ्लैग्स जो हैं ये वही लगाते हैं हर बीच पे, अलग अलग टाइप के, और हर किसी का अपना अपना मीनिंग रहता है। पर यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, शांति है मेन तो सबसे बड़ी बात वही है, और ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं है। पर हाँ, जितना ओवर हाइप्ड ये है, जब क्राउड होगा तो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, बिकॉज आसपास यहाँ पर बहुत सारे विलाज हैं रुकने के पीछे की साइड, तो भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। और यहाँ पे अभी फिरंगी लोग आपको दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो लोकल फ्रेंच कॉलोनी है वो अभी भी बसी हुई है, वो लोग यहाँ के ही रेसिडेंट्स हैं एक तरीके से आप ये मान सकते हो, और वो यहीं रहते हैं तो वो यहीं पर घूमने आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच पीपल आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, यहाँ से वहाँ तक तो जा सकते हैं, बट यहाँ से उधर जाना है मुझे एडन बीच की साइड। उसके अलावा यहाँ पर पास में एक मैनग्रूव ट्रेल करके भी जगह है, वहाँ पर अगर आप चाहते हो ना, मैं तो नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने अंडमान और सारी जगहों पे ये सब इन्जॉय कर चुका हूँ, वहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो। मैनग्रूव फॉरेस्ट के बीच में बोट चलती है, मतलब एक तरीके से वो जो चप्पू चलाते हैं ना उस तरीके से बोट चलती है, तो वो चला सकते हो। और उसके पास में एक अरिकमेडू करके साइट है, यहीं पे ही है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आर्कियोलॉजिकल साइट है बेसिकली, वो 2000 साल पुरानी रोमन एम्पायर की साइट है, उसकी फर्स्ट फाइंडिंग्स हुई थी 1744 के आसपास, यहाँ के फ्रेंच वाले लोग जो राज करते थे उन लोगों ने ही उसकी खोज करी थी। और उसके बाद से जो मैंने आपको कल म्यूज़ियम दिखाई थी ना ब्लॉग में, कल वाले दिन में, उसके अंदर अरिकमेडू के बहुत सारे चीज़ें पड़ी हुई है जो उन्होंने वहीं से लेकर आए हैं, और जो 17th सेंचुरी में जो यहाँ पे फ्रेंच का शासन था उन लोगों ने वो सारी चीज़ें लाइक हथिया ली, बिकॉज उसमें बहुत सारे जेम्स भी मिले थे और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो नायाब थी। तो खैर अब तो कुछ भी नहीं है, बंजर हो चुकी है एकदम साइट, पर एक बार उसको विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं वहाँ भी नहीं जाने वाला हूँ। अरिकमेडू उसका नाम है, 2000 साल पुरानी साइट है, और पौंडीचेरी की सबसे बोलना चाहिए पुरानी साइट है, लेटेस्ट मतलब 17th सेंचुरी की फाइंडिंग्स में से पुरानी साइट है। उसके पास में ही मैनग्रूव फॉरेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रास्ते में चुनामबार बोट हाउस करके भी एक जगह है, वहाँ भी जा सकते हो, और वहाँ पे आप बोट ले सकते हो जो आपको पैराडाइज बीच पे लेकर आती है, और ये पूरी जगह है घुमाते हैं यार इस पे, बस यही बात है। आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, और अगर आपको बोट राइड लेनी है तो चुनामबार बोट हाउस, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, चुनामबार बोट हाउस से यहाँ पर आ सकते हो भाई, और घूम सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग की भी बहुत सारी साइट्स हैं, एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूबा डाइविंग जो मैंने सुना है वो यहाँ पर टेम्पल करके, टेम्पल नाम है यार, उसको देख लेना आप गूगल पे, और अगर हुआ तो मैं स्क्रीन में नीचे लिख दूंगा, मुझे नाम तो याद नहीं है, टेम्पल करके वो साइट है, और उस पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। हालांकि ये मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुना है, तो अगर आप करना चाहो उस पर अगर स्कूबा डाइविंग तो आप कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज पौंडीचेरी की जो ये पौंडीचेरी जो है, ये जो अपनी मैप का राइट वाला हिस्सा है ना, ये इकलौती साइट है स्कूबा डाइविंग की जहाँ पर ऑफिशियली स्कूबा डाइविंग आप सीख भी सकते हो, और पैडी PADI करके जो रेगुलेटेड बॉडी है जो आपको स्कूबा डाइविंग सिखाती है, वही लोग यहाँ पर सिखाते हैं। तो टेम्पल करके जो है वो आपको बेसिक स्कूबा भी करवा सकते हैं, 7,000 या 8,000 उनका प्राइस है, और अगर आप कोर्स करना चाहो जो कि बेसिक से एडवांस के बीच में होता है, वो एडवांस स्कूबा डाइविंग, तो उसमें आप
डाइविंग सीख सकते हो यार। काफ़ी लोगों ने सीखा है पर मैं अभी इस साइड पे सीखना नहीं चाहता हूँ। मुझे करना है पर मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तो अंडमान में करूँगा और यहाँ तो फिर मालदीव्स में करूँगा, बिकॉज़ वहाँ पर भी पैडी सर्टिफाइड जो हैं कंपनीज़ वहाँ पर भी हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मालदीव्स में मुझे वाटर यहाँ से ज़्यादा क्लीन मिलेगा, तो वहाँ की मरीन लाइफ मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ। इसलिए जो पैसे खर्चने हैं भाई एक ही बार में खर्चने, ऑब्वियसली बात है, तो मैं वहीं पर खर्चूँगा तो देखेंगे भाई फ्यूचर में जब टाइम मिला। एक्सपेक्टेशन तो यही है अभी एक दो महीने में जाऊँ वहाँ पर और कर लूँ यार, बिकॉज बहुत अंदर से एक चुल मची हुई है कि वो सीखना ही है बस। मतलब मरीन लाइफ देखनी है, ऑब्वियसली बात है मरीन लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ की भी मरीन लाइफ बहुत औसम है अगर आपका लक साथ दे दे और भाई क्लीन वाटर मिल गया ना, तो यहाँ की जो मरीन लाइफ है वो बहुत सेक्सी है। मैं जाना नहीं चाहता हूँ अभी स्कूबा डाइविंग में, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं आगे भी अभी ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो भाई मैं ज़रा सा भी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जो मुझे बीमार कर दे। मैं कल रात को स्विमिंग पूल में जाने से भी डर रहा था, जस्ट बिकॉज मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ यार। थोड़ी सी क्या बात होती है कि हम एसी में जा रहे हैं, हम फिर धूप में आ रहे हैं, धूप यहाँ पर 35 डिग्री 40 डिग्री है, और उसके बाद फिर से हम पानी में जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको मिलके एक लाइक बॉडी पे इफ़ेक्ट डाल देती है यार। और फिर हम उल्टा सीधा खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ये अगर इफ़ेक्ट कर गया और जो मेरा प्लान है उसमें हिंडर कर दिया तो मुझे मज़ा नहीं आएगा यार। फिर 2-3-5 दिन यार उसी में कट जाते हैं, चले जाते हैं, तो इसलिए जब सोलो ट्रैवल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, बिकॉज मैं अकेला ही हूँ जो मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। सारी चीज़ें मुझे अपने आप ही मैनेज करनी पड़ती है, जो कि सारे वर्ल्ड के सोलो ट्रैवलर्स मैनेज करते हैं बिहाइंड दी सीन्स, वो सामने आपको नहीं दिखेगा। और सामने तो आपको ऐसी लाइफ दिखती है कि यार कितना मज़ा आ रहा है यार सोलो घूम रहे हैं, पर बहुत सारे पर्क्स होते हैं भाई जो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ इन्जॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली इन्जॉय कर रहे हैं। ये हमारा बेस्ट पर्क है कि हम अकेले घूम सकते हैं, और आप भी घूम सकते हो यार, कोई भी घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा चीप है, आपको मालूम है, थोड़े बजट में भी ट्रैवल किया जा सकता है अगर आप अच्छे से प्लान करो तो। पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव नहीं बोलूँगा यार, ये पार्ट ऑफ द प्लान है। आपको भाई कपड़े धोने हैं, आपको आयरन खुद करना है, इस्त्री प्रेस करना खुद है, और भाई अपने लगेज का ध्यान देना है, खुद का ध्यान देना है, खुद की हेल्थ का ध्यान देना है, सारी चीज़ें खुद बनानी है। और अगर आप ऑफ बीट प्लेसेस पे जाते हो तो वहाँ पर तो ये बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं होती है, तो वो भी आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये कुछ नेगेटिव नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मतलब पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो इसको इन्जॉय करते हुए चलते हैं यार। सीधी बात है, अब तो आदत हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप स्टार्ट अगर करोगे सोलो ट्रैवलिंग की जर्नी को तो आपको डेफिनेटली इनिशियल टाइम पे ये सब फेस करना पड़ेगा, जो आपको लगेगा यार बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करूँ। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि 15-15, 20-20 केजी के बैग्स रहते हैं जो हम कैरी करते हैं, वो कैरी करके जाना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। एक हाइकिंग जो होती है वो डिफरेंट होता है, बट समझो मैं कभी उतरा बस स्टेशन पे उतरा या कभी रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई 2 किलोमीटर दूरी होटल है, पर 20 केजी का बैग जो पीछे टंगा हुआ है वो पैदल लेके जाना पड़ता है, तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है। और अगर आपको पैसे बचाने हैं डेफिनेटली, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो जिसका कष्ट आपको उठाना ही पड़ेगा सोलो ट्रैवलिंग में। तो छोटे छोटे जो कॉस्ट होते हैं ना, वो बच बच के बहुत बड़ा पैसा बच जाता है अगर आप बचाना चाहो तो। और भाई उड़ाना चाहो तो फिर तो आप लिमोजिन बुला लो, प्राइवेट टैक्सी बुला लो, हेलीकॉप्टर से चले जाओ यार, कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। खैर, मैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अननेसेसरली देखो इस व्लॉग को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ मैंने सारी साइट्स दिखाने की कोशिश करी, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई एक ही वीडियो में सारी साइट्स आपको दिखा दूँ यार। दो दो तीन तीन व्लॉग एक ही जगह के मैं से नहीं बनते, और मैं वो काइंड ऑफ व्लॉगर नहीं हूँ कि एक एक दो दो मिनट का पीस आपको दिखा दिया। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको रियलिटी दिखाऊँ, तो इसलिए एक एक साइट पे अगर मैं जाता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल पांडिचेरी या गोवा कहीं पे भी अगर 15-20 साइट्स होती है ना, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक साइट पे 5 मिनट का व्लॉग तो बनाऊँ यार, कि आप लोग उसको देख सको। और दो दो तीन तीन पार्ट बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ कोई भी आएगा तो पांडिचेरी एक ही बार में देख ले, एक ही बार में वो एक्सपीरियंस कर ले, क्या वो देखना चाहता है, क्या वो नहीं देखना चाहता है। तो सारी चीज़ें मैं एक ही ब्लॉग में बताने की कोशिश करता हूँ, भले फिर वो लंबा बन जाए यार, क्या कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पर 5 दिन कोई आदमी घूमने आएगा तो 1 घंटे का ब्लॉग तो देख ही सकता है कि भाई पैसे खर्चने भी चाहिए उसको कि नहीं खर्चने चाहिए, इससे ज़्यादा तो और क्या ही दे सकता हूँ। और आप कंबल में बैठ के, एसी में बैठ के घर पे
देख सकते हो व्लॉग्स, बना तो मैं ही रहा हूँ ऑब्वियस ही बात है। तो खैर चलते हैं यार गाइज, अब मज़ा तो बहुत आ रहा है डेफिनेटली, पर और भी साइट्स कवर करनी है, तो चलते हैं अभी एडन बीच की तरफ और आपको एडन बीच दिखाता हूँ। आरिकामेडू नहीं जाऊँगा, उसके पास में चुनाम्बर बोट हाउस है, वहाँ भी नहीं जाऊँगा, आप जा सकते हो डेफिनेटली। मैंने उसके अलावा वहाँ पे मैनग्रूव ट्रेल है, वो भी आप इन्जॉय कर सकते हो मैनग्रूव फॉरेस्ट के बीच में। मैं ये सब इन्जॉय बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ इसलिए मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ यहाँ पर जो एक मैंने एक्टिविटी अभी आपको स्टार्टिंग में बताई, फ़िश वाली जो राइड है ना, जो हवा में उड़ते हुए वो जा रहे हैं, वो आप डेफिनेटली करना, बिकॉज वो बहुत ही थ्रिलिंग राइड होगी यार। बिकॉज मैंने वो ट्राई नहीं करी है, मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा डेफिनेटली, पर दूसरी साइड्स पे भी वो होंगी तो फ्यूचर में कभी उसको इन्जॉय करने की कोशिश करूँगा, पर वो डेफिनेटली मिस मत करना यार, मज़ा आएगा उसको करने में आपको। इस बाहर की तरफ यार, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप अपनी वाइफ के साथ अगर आते हो ना, तो भाई इतनी शांति में आपको जगह मिलेगी ये पूरी। अभी एज ऑफ नाउ भाई टूरिज्म जब पीक पे होता है तब तो क्या होगा मालूम नहीं, बट अभी मैं अक्टूबर में हूँ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आया हूँ, तो भाई आ सकते हो यार, इन्जॉय कर सकते हो। आपको इतना साफ इतना सुंदर बीच मिलेगा, क्लीनलीनेस है, मेंटेनेंस भले यहाँ पर है कि नहीं मालूम नहीं, मेंटेन करते हैं डेफिनेटली तभी क्लीन है, बट यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा पुलिस और कोस्ट गार्ड है नहीं जितने गोवा में है, तो आ सकते हो। और यहाँ पर खाना सस्ता है, लूट नहीं रहे बिकॉज यहाँ पर टूरिज्म इतना ज़्यादा है नहीं एज ऑफ नाउ, और यहाँ पर लोकल्स ज़्यादा घूमते हैं एज ऑफ नाउ, तो हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए, पर अभी तो भाई मैंने जो भी खाया पिया वो इतना बजट में था कि जितना हम सिटी में खाते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बिकॉज 6 प्रॉन्स मैंने देखे हैं, गले के नीचे भी नहीं उतरेंगे, वो गोवा में पड़ते हैं 2000 रुपये के, आपको मालूम होगा। एक छोटा सा लॉबस्टर खाओगे वो 2000 रुपये का पड़ेगा, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। इवन जो शेक्स की जो दारू है, अगर आप, मैं तो नहीं पीता हूँ, अगर आप विस्की ये सब इन्जॉय करना चाहते हो वहाँ पे महंगी मिलती है, पर यहाँ पे रेट टू रेट मिल रही है और सस्ती मिल रही है। मैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, एक अच्छा खासा एसी वाला रेस्टोरेंट तो यही दिख रहा है। खैर चलो गाइस, बातें बहुत हो गई, अब बाहर चलते हैं। तो भाई आ गए हैं यहाँ पर एडन बीच पे, यहाँ पे 20 रुपये में अपनी गाड़ी पार्क करी है और माहौल देख सकते हो। वैसे तो आगे भी गाड़ी ले जा रहे थे, मैंने सोचा यहीं पार्क कर देते हैं यार, और देख सकते हो चलते हैं आगे की तरफ। सही माहौल हो रहा है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस है यहाँ का, ज़्यादातर तो लोकल्स ही दिख रहे हैं एज यूजुअल, और आसपास के गांव वाले यहाँ पर भी वही उसी टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो आगे चल के दिखाता हूँ। भाई देख सकते हो यहाँ से हम आए और उधर सामने की तरफ रेडिसन है, ये प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको, 12 से 15 हज़ार रुपये पर नाइट, और टैक्स मिला के आपको 18 हज़ार रुपये पर नाइट पड़ेगा। और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें इस साइड पे, और यहाँ पर तो ऐसे ही फ़िशिंग हो रही थी थोड़ी बहुत पीछे की साइड, ये सब फ़िशिंग वाले पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, और मेन बीच है आगे की तरफ, भारत का झंडा लगा हुआ है उसके पास में, ब्लू फ्लैग लगा हुआ है देख सकते हो आप। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी स्विमिंग अलाउड नहीं है। ये देखो ये बीच के फ्लैग्स हैं, इसको देख के आप समझ सकते हो कि कौन कौन से फ्लैग क्या क्या मीन करता है। इस साइड भी अगेन खाने पीने की जगह है, और ये है मेन बीच, सेक्सी लग रहा है यार, अगेन बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है। और 6 बजे भाई ये बीच बंद हो जाता है, ये ध्यान रखना, उसके बाद नहीं आ पाओगे, बिकॉज ये पब्लिक बीच नहीं है, प्राइवेट बीच है एक तरीके से, प्राइवेट मतलब मैनेज बाय गवर्नमेंट बोल सकते हैं।
और उसके बाद आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो 6 बजे के पहले पहले आना पड़ेगा। अभी दिन की कितनी बज रही है यार, 3:30 बज रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर लिखा हुआ है कि इसमें जेली फिश है। जेली फिश कितनी स्टिंगी होती है आपको मालूम है, जहर होता है उनमें गंदा वाला। ये देखो इधर वार्निंग लिखी हुई है, इसलिए इसमें शायद नहाना अलाउड नहीं है, पर फिर भी लोग तो नहा रहे। क्लीन बीच है और पानी भी साफ है और ज़्यादा क्राउड अभी एज ऑफ नाउ तो है नहीं। यहाँ पे लाइफ गार्ड कोई तो बैठता होगा उसकी जगह। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ स्विमिंग जोन, सॉरी यार गाइज, यहाँ पर सेफ स्विमिंग जोन लिखा हुआ है इसलिए नहा रहे अभी देखा मैंने। मतलब एक छोटा सा जोन है शायद, इतनी सी जगह पे ये लोग नहाने दे रहे। अच्छा यहाँ पर बाउंड्री लगा रखी है इन लोगों ने, गॉट इट। बट स्टिल यार साइंस जो होती है उनको मजाक में मत लिया करो यार। यहाँ की तो बात ठीक है पर लोग ऐसा भी करते हैं कि बिना साइन को मतलब इग्नोर करते हुए सीधे चले जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि भाई थाईलैंड में कितने लोगों की जान गई है, उस बीच का नाम भूल गया यार मैं। बट बहुत सही लग रहा है। इसी रास्ते पे थोड़ा आगे गाइस जाओगे तो यहाँ पर एक वीरपट्टिनम बीच भी है, वो भी बहुत अच्छा है। और इस साइड पौंडी मरीना करके भी एक जगह है, वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ पर लाइट हाउस है और लाइट हाउस रात को जलता है, और उसके ऊपर भी जाके आप पूरी सिटी के नज़ारे देख सकते हो। मैं उन दोनों जगह तो गया नहीं, पर सारे बीचेस यार इवेंचुअली सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो आप अगर वहाँ पे फैमिली के साथ आते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, तो जा सकते हो, आसपास ही है। और जो दो साइट्स मैंने और बताई थी, अरिका मेडू और मैनग्रोव ट्रेल, चुनाम्बर बोट हाउस, वो भी यहीं पर है, आसपास ही है सब। तो ये इजीली आप अपनी गाड़ी से घूमते घूमते एक्सप्लोर कर सकते हो यार। और यहाँ बैठने की जगह है, और पीछे अगेन चेंजिंग रूम्स हैं, शावर के रूम्स हैं, और बाकी यहाँ इन्जॉय कर सकते हो पानी में। और वहाँ तक भाई बहुत दूर, मतलब कितने किलोमीटर्स की वॉक होगी ये, आराम से वहाँ तक आप जा सकते हो पैदल पैदल, मज़ा ही आएगा। और बीच में अभी भी बहुत सारी बोट्स सेल कर रही हैं यहाँ पे। अब ये टूरिस्ट बोट है कि मछुआरों की बोट है मालूम नहीं, बट सेंस यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे थे यार, हो सकता है ये उन्हीं की बोट्स हों। अगर आपको दिख रही है कि नहीं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। भाई बहुत आगे आ रहा है पानी। ये रही वो बोट, देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली किसी मछुआरे की लग रही है यार। चलो खैर यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा, टाइम पास करूँगा, और उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे गाइस। उम्मीद है आपको देख के मज़ा आया होगा ये भी। और इतना खाली पना तो भाई मिलता नहीं है इतना इजीली, पर अभी मिल रहा है तो इन्जॉय कर लो यार भाई मेरे साथ ऐसे ही वर्चुअली। भाई यहाँ पर ना लोकल लोग जो है ना, मैं ज़्यादा उनको जूम करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर कोई कैमरामैन हायर करके लाए हैं, और यहाँ पर प्रॉपर शूटिंग चल रही है, शायद प्री वेडिंग शूट चल रहा होगा भाई सामने की तरफ। और आप भी चाहो टेरी को कंसिडर कर सकते हो अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए, क्योंकि यहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं, क्राउड नहीं है, एकदम शांति है, तो जैसे भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ की जो फ्रेंच कॉलोनी है ना भाई, वो इतनी सेक्सी है कि वहाँ पर भी आपके फ़ोटोशूट बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ की चर्चेस बहुत अच्छी हैं, उसके अलावा भाई यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटोशूट करवा सकते हो, ऑफ कोर्स परमिशन के साथ। बट यहाँ के बीचेस जो है ना, यहाँ पे खाली मिलेंगे, और गोवा जैसा यहाँ पे क्राउड नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम गोवा जाएं अपना प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए वाइल्ड इंडिया, तो उसकी जगह आप यहाँ पर आ सकते हो। और भाई बहुत अच्छे आपके फ़ोटोशूट्स आएंगे डेफिनेटली, अगर आपके पास कोई अच्छा बंदा खींचने वाला होगा। मेरे पास तो कोई होता नहीं है, मैं जनरली अपने सारे शूट्स खुद ही अपने हाथ से ही करता हूँ, और क्या कर सकते हैं, सोलो ट्रैवलिंग का एक वन ऑफ दी
डिसएडवांटेज ये भी है बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत सारी जगहें ऐसी विजिट करता हूँ जहाँ पर मुझे वाकई लगता है कि शायद कोई होता तो मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींच देता, पर खैर सोलो ट्रैवलिंग है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गाइस देखो मैं बाहर आया हूँ और आपको बहुत सारी कैटफिश यहाँ पे दिख रही होगी। ये सामने बीच था और ये पास में जो मैंने आपको छोटी सी जगह बताई थी इसमें कैटफिश है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली फ़िश की फार्मिंग चल रही है या फिश कैचिंग चल रही है, एग्जैक्टली मालूम नहीं है। प्यारी लगती है यार मछलियाँ बहुत। और उधर मेन चल रहा है, यहाँ पर ये लोग तैर भी रहे हैं और साथ ही साथ इनके पास बहुत सारे जाल हैं जिससे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो भाई आखिर घूमते घामते मैं पौंडी मरीना आ ही गया और ये देख सकते हो ये लाइट हाउस है जो कि रात को चलेगा। राइट साइड फूल लगे हुए हैं, टाइम पास करने की जगह है और यहाँ पे पास में बीच भी है, ढूंढना पड़ेगा उसका रास्ता। गूगल इतना घटिया है ना, मैं उसमें रॉक बीच की जगह ढूंढ रहा था तो मुझे कहीं तो कोई अजीब सी कॉलोनी में फंसा दिया उसने पौंडीचेरी की, और फिर वहाँ से मुझे कोई स्ट्रेंजर बाहर लेके आ गया, उसने बोला रॉक बीच कहीं और है, ये है पौंडी मरीना, यहाँ पे मैं आना नहीं चाह रहा था और यहीं पे आगे जो मैंने आपको एडन बीच बताया वो भी यहीं पे ही है और यहाँ से आके आप पौंडी मरीना इन्जॉय कर सकते हो। पार्किंग की स्पेस है, उधर पीछे बहुत सारी खाने की जगह है जहाँ पर अभी अपन चलते हैं। और ये जो लाइट हाउस मैंने आपको दिखाया है इसमें आप लाइट हाउस में ऊपर जा सकते हो जूते उतार के, 20 रुपये शायद कैमरे का चार्ज है और 5 रुपये या 10 रुपये की फ़ीस है। और ये वाला है मेन बीच पौंडी मरीना का, साफ है एकदम, अच्छा लग रहा है ये भी और शांति है यहाँ भी बहुत। राइट साइड का व्यू देख सकते हो पूरा और अभी सनसेट होने वाला है जस्ट बिकॉज क्या टाइम हो रहा है, 5 बजने वाली है तो यहाँ भी शांति बहुत है। और सामने ये एक्चुअली लाइट हाउस रात को चालू हो जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में व्लॉग में ओल्ड लाइट हाउस भी दिखाया था, ये न्यू लाइट हाउस है, वो ओल्ड था। यहाँ पे भी स्विमिंग प्रोहिबिटेड है और शोर पे अलाउड है शायद, तभी लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये बीच वहीं से कनेक्टेड है जो एडन बीच मैंने आपको बताया था, तो अलग से कुछ भी नहीं है, पर इधर पैदल नहीं आ सकते हो, लंबा रास्ता है क्योंकि। चलो जाते हैं गाइस उधर अंदर की तरफ, कुछ खाते हैं यार। वैसे तो उधर वो बच्चों की खेलने कूदने की जगह दिख रही है, उसके अलावा खाने पीने का शॉप से अंदर। तो गाइस यहाँ बैठने की जगह है पूरी और यहाँ है सब खाने पीने का, आई लव पौंडी मरीना यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कुछ नहीं है, टाइम पास जगह है यार और क्या। खैर जब आओगे तो यहाँ पे टाइम पास बहुत अच्छा होगा जस्ट बिकॉज सामने पूरा बीच है, तो बीच के साथ तो बहुत मज़ा ही आएगा स्पेशली रात को। टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स मुझे मालूम नहीं है, पर बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा। खैर मैं अब निकल के गाइस यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ खाना तक खा लिया, अभी मैं जा रहा हूँ एक चर्च में जो कि बहुत प्यारी है, तो मैं आपको वहीं चल के दिखाता हूँ। तो भाई आ गया हूँ अपनी दूसरी चर्च पे, थर्ड चर्च है ये हमारी ब्लॉक के, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना ये ही मेन यहाँ का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मैं कल उतरा था पुडुचेरी का, कल हो सकता है यहीं से जाऊँ। और ये है चर्च, कितनी प्यारी दिख रही है, अभी बहुत ही प्यारी चर्च है और बहुत बड़ी चर्च है। इसका नाम मैं बताता हूँ और अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देख सकते हो। अंदर
अंदर चलते हैं गाइस, दिखाता हूँ आपको अंदर से। तो गाइस इस चर्च का नाम है सेक्रेड हार्ट बेसिलिका, देख सकते हो। और अंदर अभी कोई प्रेयर चल रही है और कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ सकते हो। और टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं चर्च के, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने है, कल मुझे दिखी भी थी, मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ की बहुत फेमस चर्च है, पर बहुत प्यारी दिख रही है। और यहाँ पे अलग अलग यहाँ के सेंट्स के वो लगे हुए हैं। मैं तो खुद यार एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नोन हूँ इन चीज़ों से। 12-15 साल मैंने अपने जीवन के क्रिश्चियन स्कूल में ही दिए, सेंट पॉल में इंदौर के। और अंदर से भी दिखाता हूँ, चप्पल उतारना पड़ेगा यहाँ पे, वो चलते हैं अंदर। बहुत खूबसूरत है यार, ये आप देख सकते हो अंदर से। देखा भाई आपने अंदर से चर्च, और यहाँ पे कोई मेमोरियल बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक और प्रेइंग की जगह, ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है, नो डाउट। देख सकते हो आप, तो मैं अपनी फाइनली वहाँ से निकल के लास्ट जगह पे आ चुका हूँ, जो कि है आश्रम। आप देख सकते हो ये भी मेरे होटल के काफ़ी पास में ही है, जो फ्रेंच कॉलोनी और वाइट टाउन मैंने आपको दिखाया था उसके पास में, इस गली में है। एक्चुअली ये जगह इसलिए फेमस है बिकॉज़ यहाँ पर लाइन लगती है मॉर्निंग में 6 बजे और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और एक्चुअली अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है, और आप आराम से शांति से बैठ सकते हो, अंदर जाके मेडिटेट कर सकते हो, और बिल्कुल बोलना बालना अलाउड नहीं है। आराम से बैठो, मेडिटेट करो। तो ये प्लेस आप ज़रूर एक बार विज़िट करना, मज़ा आएगा। अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। थोड़ा सा आगे से यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एंट्री है। और भाई अंदर जाके बैठो आराम से, और ऊपर से आप देख सकते हो प्यारा सा एक घर जैसा बना हुआ है। और साइड से भी दिखाता हूँ, इस साइड से ये वाली जगह, ये भी प्यारा लग रहा है। तो भाई बात ऐसी है कि अभी तो ये बंद होने वाला है क्योंकि 6 बजने वाली है, पर आप यहाँ के घर देख सकते हो, सारे फ्रेंच स्टाइल में बने हुए हैं। ये किसी के प्राइवेट घर ही हैं यार, तो एंट्री अलाउड नहीं है। और कुछ कैफ़ेज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आसपास हेरिटेज विलाज हैं, वहाँ पर रुक सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ के वाइब्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। उसके अलावा अगर आप ये साइकिल पे घूमना चाहो ना ये जगह पे, तो इस साइकिल पे बैठ के यहाँ पे भैया हैं आपको घुमा देंगे। ये पूरी फ्रेंच टाउन और पूरी फ्रेंच कॉलोनी जस्ट बिकॉज जो पौंडीचेरी है उसकी मेन जगहों में से ये एक है, तो इसलिए भाई इसको एक्सप्लोर करना मत भूलना, बहुत मज़ा आएगा। थोड़े अलग टाइप के घर दिखेंगे और बहुत प्यारे घर हैं, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स खींचे, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स डालता रहता हूँ। और अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ होटल अपने, तो होटल में चल के बात करते हैं और फाइनली ब्लॉग को एंड करता हूँ गाइज, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया ब्लॉग, एंड चला जाए अब फाइनली, बहुत थक गया हूँ अगैन। और वापस चला जाए अब स्विमिंग पूल में, टाइम हो गया भाई। जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, वहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ,
अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ सिसलीज पे, जो प्रोमिनेंट बीच के जस्ट सामने है, आप देख सकते हो, दिखाया भी था ये वाला, और सामने की तरफ जो है वो बीच है और ये वाला सिसलीज बीच। तो बीच अभी नहीं दिखेगा बिकॉज अंधेरा हो गया। खैर ये वाला जो कैफ़े है ना, इसको अवॉइड करना। मेरे को तो एक्चुअली कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि यहीं पे आके खा लेते हैं, पर इसको अवॉइड करना, ये ओवर हाइप्ड रेस्टोरेंट है और कैफ़े है बेसिकली। और अभी मैं पिया और उसके अलावा एक चॉकलेट शेक लिया था, दोनों में टेस्ट नहीं है, ज़रा सा भी टेस्ट नहीं है। वो तो भूख लग रही है तो खा रहा हूँ और खाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है इतने पैसे भरे, पर अवॉइड करना है इसको। और खैर अभी मैं यहाँ पे टाइम पास करके जाने वाला हूँ वापस अपने होटल में, अतिथि में, और उसके बाद कल मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में चेकआउट करूँगा और वहाँ से जाने वाला हूँ मैं ऑरोविल, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। क्या है और क्या क्या वहाँ पर है, कैसी वो जगह है, वो वहीं पर चल के मैं आपको बताऊँगा। और उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो। बेसिकली जितना भी बड़ा ब्लॉग था, पर मैंने आपको पूरा ही पौंडीचेरी घुमा दिया करीब करीब, अब एक्स्ट्रा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो सब कुछ ही कवर कर दिया बेसिकली जितना मैं कर सकता था। तो खैर मिलते हैं अब कल ऑरोविल में गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट। तो खा के तो आ गया था गाइज, तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, क्या सही लग रहा है। मैं फ़िलहाल इधर एक पत्थर पे बैठा हुआ हूँ और ये बोई वाली स्ट्रीट है, एक नॉर्मल स्ट्रीट जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई थी। और यहाँ पर एज़ यूजुअल बहुत सारे लोग बैठे ही रहते हैं और एकदम सही माहौल है। इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब 3 दिन से जब से मैं यहाँ पे हूँ कि मैं सनराइज़ पर आ जाऊँ, और आ ही नहीं पाता हूँ। कल कोशिश करूँगा यार, एक्चुअली ब्लॉग एडिट करते करते रात को 3 बज जाती है, उसके बाद फिर सुबह तो नींद खुलती नहीं है, तो अब क्या करें। खैर कोई ना।